उत्तर भारत में अधिकतर राज्यों में आलू की खेती होती है। आलू को लगाने का सबसे सही समय है अक्टूबर का माह। बेड की चौड़ाई नीचे से 3 फीट और ऊपर से 2 फीट होना बहुत ही आवश्यक। अच्छे आलू, वजनदार, गोलाकार और चमकीले आलू की जो है डिमांड है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं मनमोहन सिंह डेहरिया कोठारी इरिगेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये 3.5 एकड़ का खेत है। किसान भाइयों, उत्तर भारत में अधिकतर राज्यों में आलू की खेती होती है, लेकिन वो खेती परंपरागत तरीके से होती है। परंपरागत खेती में जो है पर्याप्त मात्रा में पैदावार नहीं मिल पाती है, तो पैदावार बढ़ाने के लिए सही तकनीकी का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आलू की सही तकनीकी के बारे में बताएंगे, तो पूरी तकनीकी की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए आप पूरा देखें। आलू को लगाने का सबसे सही समय है अक्टूबर का माह, और इसके लिए जो सुटेबल टेम्परेचर है अंकुरण के लिए 20 से 22 सेंटीग्रेड और कंद बनने के लिए 18 से 20 सेंटीग्रेड का तापमान होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा है इसकी बुआई पद्धति। किसान भाइयों, परंपरागत पद्धति से जो है आलू को सही दूरी पे बोया नहीं जाता है, लेकिन बेड पद्धति के द्वारा जो बेड बनाने की पद्धति है उसमें जो बेड बनाते हैं, बेड की चौड़ाई नीचे से 3 फीट और ऊपर से 2 फीट होना बहुत ही आवश्यक है, और बेड से बेड की दूरी में जो है 30 सेंटीमीटर की नाली बहुत ही आवश्यक है। नाली इसलिए आवश्यक है, अगर एक्स्ट्रा पानी आता है तो वो आसान तरीके से खेत से बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर पानी भरता है तो कंद वाली आलू में जो कंद है वो सड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए बेड पद्धति से करना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, एक कंद वाली फसल है तो इसमें जो है कंद बढ़ने के लिए गोलाकार और वजनदार अच्छा कंद बनने के लिए मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत ही आवश्यक है। भुरभुरा जमीन है वो बेड के ही माध्यम से आलू को मिल सकती है, इसलिए जो भी किसान आलू की खेती कर रहे हैं वो बेड की पद्धति से करें। उसके बाद है सिंचाई का प्रबंधन। सिंचाई के प्रबंधन में सबसे आवश्यक है किसान भाइयों ड्रिप पद्धति से खेती करना। ड्रिप पद्धति में अभी जो खेत में हम खड़े हुए हैं इसमें 16-2-40 का ड्रिप इनलाइन लगा हुआ है, लेकिन सबसे अच्छा जो ड्रिप लाइन है 1.2 लीटर प्रति घंटा डिस्चार्ज होना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? आलू की खेती बेड की पद्धति से करते हैं तो इसकी जो भुरभुरी मिट्टी होती है तो उसमें धीरे धीरे पानी जाता है, तो उसका जो मॉइस्चर है वो कम चौड़े होते हुए नीचे जाता है, इसलिए जितना धीरे पानी जाएगा उस तरीके से जो है उसका मॉइस्चर भी फैलेगा। ड्रिप के माध्यम से पानी में घोलकर खाद दिया जाता है तो पौधे के जड़ क्षेत्र में आसानी से पहुंच जाता है। किसान भाइयों, इसके लिए आपको ड्रिप इरिगेशन तकनीकी अपनाना बहुत ही आवश्यक है। आज के टाइम पे बाज़ार में अच्छे आलू, वजनदार, गोलाकार और चमकीले आलू की जो है डिमांड है, तो उस डिमांड को पूरी करने के लिए सिर्फ एक ही पद्धति है, वो है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन से सटीक पानी, सटीक खाद और सटीक जगह पे दीजिए और अपना उत्पादन को डबल पाइए। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए मेरे नंबर पे आप संपर्क करें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जो नए किसान भाई है उनने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।